अस्सलाम वालेकुम मेरे गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, माय नेम इज आदम एंड आप सब लोग एक न्यू ब्लॉग में खुश आमदीद। तो लास्ट ब्लॉग को जस्ट मैंने यहाँ पे एंड किया और न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। शहरी में अपने कहीं चलना पड़ रहा है जो कि आपने लास्ट ब्लॉग में ऑलरेडी देख लिया। अभी आप शहरी के लिए उठाने के लिए आने वाले हैं। आप सभी लोगों को माह रमजान का तीसरा जुमा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक रखो। ये होगा अपना 20वां रोज़ा एंड ये होगा मेरा 20 ब्लॉग का 20 दिन 20 ब्लॉग्स। लेट्स सी कहाँ तक अपने नसीब लेके जाते हैं कहाँ नहीं। बाकी भाई साहब क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है बाहर। तो पूरी रात में नोटिस किया जाए अभी भी काफी ज्यादा अच्छे खासे काले बादल है। आज रात में शहरी के पहले लगभग 2-2:30 बजे तक भी लाइट गई थी और फिर कुछ आधे घंटे बाद आई लाइट। उसके बाद अपनी शहरी भी इससे पहले रोज अपने लास्ट ब्लॉग देखा और रिलीज होगा 3:13 में, आई मीन जुमा बाद। आपके लिए आज का दिन सैटरडे है तो अभी सीधा आपको मिलता है सुबह में फ्रेश होने के बाद। भाई ये देखिए सुबह सुबह वक्त है, पिंक पिंक स्काई दिखाई दे रहे हैं माशाल्लाह, ऐसा का बहुत कम होता है, पिंक एंड हल्का सा पर्पल। नेक्स्ट जुमा हो गया अपनी आखिर जुमा, अभी भी ऐसा लगा लिटरली कल ही रमजान स्टार्ट हुआ था। देखते देखते आज 20 रोजे हो चुके हैं। जुमा बस क्या हुआ आपको बताइए होगा। अभी मैं कहता था जो समर्स अपनी पीक पे आ चुका है, क्योंकि जब समर्स पीक में आता है तो जो काफी ज्यादा जो गर्मी की वेव्स आते हैं उसको लुई भी कहते हैं। सुबह उसमें जो लिटरली तबीयत भी खराब हो सकती है एंड बिना रीजन के बाहर जाने का मतलब नहीं बनता। तो 2 से लेकर 4, 4:30 मैक्सिमम 5 बजे तक जो बहुत बहुत ज्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से मैं लिटरली कोई शूट नहीं कर पाता हूँ इन पिछले कुछ दिनों से, क्या कर सकते हैं। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इफ्तारी। आई एम श्योर जरा मेरे काफी लोग का ये डाउट होगा दैट कि पूरा दिन वीडियो बनाते रहता हूँ। कुछ लोग सोचते हो गए एंड सोचने में ये क्योंकि लोग ऐसा करते हैं बट सब लोग ऐसा नहीं करते। डेफिनेटली जो अपनी प्रायोरिटी है लाइफ में वो नमाज है, कुरान है एंड ऑल्सो अपनी सुन्नत है। वो सब छोड़ के मैं कैसे अपने वीडियो बनाऊँ, कैमरे पे सब चीज़ दिखाना मुझे पसंद नहीं है, स्पेशली ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें जो म्यूजिक वगैरह ऐड करना होता है तो लिटरली आप समझ सकते हो। होपफुली आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। एनी हम लोग गए थे तरावी पढ़ने, मीन मैं एंड मोइन लोग गए थे तरावी पढ़ने मेरे गाँव में, बट कुछ दूर कैन से दैट 10 से 5 किलोमीटर दूर। तो मैंने एंड मोइन अपने ईशा की नमाज एंड तरावी वहाँ पे अदा की। इन 10 दिनों में इतिकाफ होता है, लास्ट ईयर में बैठा था इतिकाफ में, इंशाल्लाह नेक्स्ट रमजान 4 शहर में बैठने वाला इतिकाफ में, बट ये श्योर नहीं दैट मेरा नेक्स्ट रमजान यहाँ पे बने गया फिर मुंबई में बनेगा, बट यस डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं बैठने वाला इतिकाफ में। तो वहाँ पे जो लोग इतिकाफ में बैठे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 10 दिन जो है कुछ ना कुछ जो बाहर से खाना बनाते रहते हैं या कुछ लोग बनाते हैं, देन फिर हमने डायरेक्ट वहीं पे खाना खा लिया। इसके बाद माशाल्लाह नियाज हुई एंड देन फिर बाहर के रास्ते भाई साहब क्या खूबसूरत है, के साथ साथ काफी तेज हवा चल रही थी एंड मैं गए थे बाई दो बाइक पे, तो भाई मेरी आँख में से लिटरली आंसू निकल रहे थे इतनी ज़्यादा हवा रही थी। देन फिर आगे सीन सबके सामने ऑलमोस्ट 12:45 एंड अभी घर पे पहुंचा हूं। भाई साहब क्या मजा आई है। अस्सलाम वालेकुम, होपफुली आपके ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे ब्लॉग यहाँ तक देख लिया, थैंक यू सो मच फॉर द बॉटम हार्ट। अभी भी जो मैं गला बैठा हुआ है मेरी नाक बंद है एंड लिटरली मैंने नाक अभी खुल भी नहीं रही। तो ये था अपना 20वां ब्लॉग, अभी जस्ट मैंने 21 रोजे की सहरी कर लिया। अगर मेरे ब्लॉग यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच फॉर द बॉटम हार्ट। की फॉर मोर कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर स्नैपचैट सब एड एंड फॉलो करना, सबकी जो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड दो कमेंट थॉट्स बिलो कि आपके ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।